एक अहम मिशन बनाएंगे, बाकायदा तौर पर एहतराम करेंगे और असल मानों में अकलियत बरादरी के हकूक के लिए इकदाम उठाएंगे। इस्लाही और फलाही काम करेंगे, तमाम सूबे में करेंगे इंशाल्लाह। और हर मेंबर को डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी का कार्ड भी बनवा कर दिया जाएगा। हर मेंबर के इलाके में गरीब और मस्कीन जितने भी लोग हैं सबको इमदाद फराहम की जाएगी। ये भी है पहल, खवातीन को खसूसन खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी का मौका देंगे और उनके हकूक के लिए हर जगह आवाज उठाएंगे। हमारे हवाई फायरिंग और मुंशियात के खिलाफ भी सेमिनार्स करवाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशनल सेमिनार्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का इनेकाद करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में मैं अपने मंशूर को जल्दी ख़त्म करूँ क्योंकि मुझे बहुत बातें करनी है आपसे। आखिर में खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली को ना सिर्फ इस सूबे का बल्कि पूरे पाकिस्तान का अव्वल नंबर इदारा बन गया। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब अपने ही निगेबान से डर लगता है। मुझे सोली से नजरअंदाज से डर लगता है। वो इतने अजीज के हुक्मरान और अहदेदार हाथ में कचकोल लिए अग्यार के सामने हर वक्त बिक मिलने के मुंतजर रहते हैं, जो कि ना सिर्फ इस मुल्क के तशफ़ुस को पामाल कर रहे हैं बल्कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को गधा गरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतर्रब भी करवा रहे हैं। तारीख में ऐसे कई कौमों के किस्से गुजरे हैं जिन्होंने मसलहत के नाम पे अपने सरों को झुकाकर दस्त सवार बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम बाजार में बिकने वाली सफेद जिस्म के मानंद कमतर और हकीर बन के उभरा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर की रकम वसूल कर चुका है। इमदाद पे इमदाद देने की वजह जब इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जरा इन कलमात पे एतबार करते हुए मैं अपने घर से बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस बीच ने मेरे मुल्क के आवाम की हालत ज़िंदगी कहाँ तक बेहतर की है, तो अफसोस हुआ। ये हाल है, अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं पे मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदत तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों को अमरीका की खुशामद में दिन रात एक करते देखा। मैं क्या बताऊं, मैंने क्या क्या देखा जनाब स्पीकर, मैं क्या बताऊं। क्या ये है वो पाकिस्तान जहां जुल्म और बर्बरियत के आंधी और तूफान है, जहां जुआ सुदखोरी और चोरी जैसी गुनाह आम है, जहां जैनब जैसी बच्ची घर से मदरसे तक नहीं जा सकती, जहां आत्मा जैसी हमारी बहन जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जब मिलाते हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जनाब स्पीकर, आपको इस ऐवान में बैठे हर शख्स को हाथ उठाकर मेरे साथ ये वादा करना पड़ेगा कि हमें अपने वतन अजीज को असल मानों में इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान बनाना है। क्या है मेरा साथ, वो एक शेर पे अपने अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तलाक तुम खैर मौजों से वो घबराया नहीं करते।